हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद फन। फ्रेंड्स, आज मैं पपीता की सब्जी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई बिठा लिया है, अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। देखिए, मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। तेल को गर्म होने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे। तेल गरम होने के बाद सरसों डाल देंगे। सरसों को चटकने देंगे। देखिए, सरसों चटकने लगा है। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ले लिए, इसे डाल दूंगी। पर देखिए, मैंने लहसुन लिया है, इसको मैंने छिलके के साथ ही क्रश कर लिया है। देखिए, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा क्रश किया है, छिलका मत निकालिएगा। अब इसको डाल देंगे। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन हमारा फ्राई हो गया है, तो इसमें हम अभी देखिए मैं थोड़ा सा हींग डाल दे रही हूँ। इसमें हम अभी पपीता को डाल देंगे। पपीता में हम अभी नमक डाल देंगे। स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दीजिए। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हम अभी ढक्कन लगाकर ऐसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। पांच मिनट हो गया है, थोड़ा चला लेंगे। देखिए, यहां पर हम अभी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जिससे पपीता जल्दी पक जाएगा। अभी इसको हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। देख लेते हैं पपीता पका है या नहीं पका है। पपीता हमारा पक गया है, पर फ्राई नहीं हुआ है। इसको हम अभी ऐसे ही मतलब बिना ढके फ्राई करेंगे। देखिए, मैंने पपीता में जो पानी डाला, आप चाहे तो पानी की जगह थोड़ा ज़्यादा तेल डाल के इसको फ्राई कर सकते हैं, पर मैं ये हेल्दी वे में बना रही हूँ, जितना हो सके कम में तेल से बना रही हूँ, इसलिए मैंने पानी डालकर इसको पकाया है। देखिए, इसको हम अभी ऐसे ही कढ़ाई में चलाते रहेंगे। इसमें मैं और ऑयल नहीं डालूंगी, ऐसे ही पकाऊंगी। लहसुन को आप जरूर ऐड करें, इससे इसका खुशबू और स्वाद भी बढ़ जाता है। इसमें हम अभी 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे।
फ्लेम को हम स्टीम करके ही इसको फ्राई करेंगे, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। पपीता एक हेल्दी वेजिटेबल है और हमने इसको सब्जी भी हेल्दी वे से बनाए हैं। इसे और लास्ट के 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। हमारा पपीता का सब्जी बनके तैयार है। अभी मैं गैस फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने सर्व कर लिया है। आपने देखा कि हमने कितने कम तेल से हेल्दी वे में पपीता का सूखी वाली सब्जी बनाया है। तो आप इसको घर पर बनाइए और कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिए। थैंक यू।